अबे यार ठंडे लंबे तो वेलकम तो भैजी को हाय, बुली को आशीर्वाद, बुढ़ा जी को प्रणाम और बुढ़ी जी को प्रणाम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आ गए एक अनदर ब्लॉग के साथ, और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो आपकी डिमांड है उस ब्लॉग में। ओके, बहुत लोगों ने कहा खेती के ऊपर वीडियोस बनाओ, क्या चल रहा है इस समय, क्या उग रहा है और कितनी सब्जियां आ रही है, तो मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो हम जा रहे हैं यहाँ नीचे गदेरा, जहाँ पे बहुत सारी सब्जियां और रखी हैं, तो वो दिखाता हूँ और समय क्या क्या उगा हुआ है, मैं वो सब दिखाता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग के साथ, और हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय करिए और देखिए आज क्या क्या होता है। मैं पहाड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, बसता देखो स्वर्ग यहाँ पे। आज यार मौसम भी मस्त हो रखा है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा था, इसलिए हम जल्दी सुबह सुबह निकल गए थे। साढ़े छह में देखोगे अब कैसा उजाला हो रहा था। दिल्ली में होता है ना, सब साढ़े छह में हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, और हर एक तो आगे निकल गया। बहुत मुझे भागना पड़ रहा है यार, मैं शूज पहन के नहीं आया, भूल गया शूज यार। ये होता है कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि इनमें घास लग गई होती, देख सकते हो आप, घास गिरी हुई, इनमें फिसलने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो और कटनों के लिए भी है, तो यार कब पैर फिसल जाए पता नहीं चलता, तो सेफ्टी के साथ उतरना पड़ता है इसमें। ये देखो देखो, बताओ कहाँ उतर गया, उतरू में पैर फिसलेगा मेरा, इसलिए बहुत चीज देखनी पड़ती है। सामने वो लोग गुदाई करते हुए, तो खेती भी अच्छी हो रही थी, बारिश भी हुई थी, तो सब्जियां भी अच्छी आ रखी है। अब आई होप देखते हैं क्या क्या सब्जियां होगी वहां पे। तो मैंने अभी देखा टमाटर के पेड़, टमाटर लगे हुए इसमें, और टमाटर भी बहुत ज्यादा आ गए हैं अधिक मात्रा में, तो मतलब टमाटर भी होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो टमाटर भी स्टार्ट हो गए, और ऊपर तक खेती है उस तरफ, तो हमें जाना है नीचे की तरफ। और जो बग गया, मैं वहां से यहाँ पे आया था, चलते हैं। ये भी टमाटर लग गए इस तरफ, ये टमाटर लग गए, ये कुछ लग रही है मुझे हरी सब्जी टाइप की शायद। अरे आम का पेड़ है, इस पेड़ का तो हम अचार जब हम तोड़ते थे। अबे यार कंडेली, कंडेली मैं कह रहा था कि ये वो पेड़ है, हमसे हम आम तोड़ते थे, और उसी पेड़ के आम के हम अचार बनाया करते थे। सामने पानी है, इससे हम बाद देखते हैं, अभी क्या चलता आगे सब्जी लेने के लिए, आ जा देख। तो एक और चेकआउट करो कि खीरे देख लो आप, खीरे का पेड़ है, ये पूरा खीरे का बगीचा है, और खीरे भी आना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि ये देखो सामने एक छोटा खीरा आना भी स्टार्ट हो गए, तो मतलब कि हो गया, मतलब सीजन सब्जियों का स्टार्ट। तो बीन्स भी आ गए हैं, बीन्स बहुत अधिक मात्रा में आ गए, बीन्स हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम ले नहीं रहे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और कुछ देखते हैं। ये सामने है भुट्टे भी आने स्टार्ट हो गए इसमें, भुट्टे भी आने स्टार्ट हो गए। सबसे बड़ी बात क्या, भुट्टे भी आने स्टार्ट हो गए, अब हमारे पास भुट्टे आ जाएंगे। कहाँ है वो पुराने को यार। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं आगे, आप देख सकते हो बीच में कितना बड़ा पत्थर है ये, तो ऐसे पत्थर यहाँ लगे रहते हैं। और सामने मिर्च के, शिमला मिर्च के पौधे हैं, सॉरी हाँ शिमला मिर्च के ही हैं, शिमला मिर्च अभी थोड़े थोड़े पौधे हो रहे हैं, मतलब 15-20 दिन में शिमला मिर्च आनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें। और कुछ में तो आ भी गई थी, तोड़ दी है मेरे ख्याल से, पानी का साउंड आ रहा होगा आपको। मिर्ची देख लो आप, हरी मिर्च लगी हुई है, हरी मिर्च स्टार्ट होगी, मतलब हरी मिर्च तो अधिक मात्रा में आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब हो गई इसकी स्टार्टिंग हरी मिर्च की, मतलब हरी मिर्च। शिमला मिर्च देखो छोटी दिख रही होगी आपको, शिमला मिर्च भी हो गई स्टार्ट। और ये कंडेली है हमारे यहाँ की, जो आपको हर रास्ते में मिलेगी उगते हुए। भैया मेरा पैर फिसल रहा है, मैं जूते पहन के क्यों नहीं आया यार।
और हम ये छोटा सा पुल पार करेंगे पत्थरों का। इतना चिरा बनाया है, वहां पानी भी है, मछली भी हो रही इसके अंदर। चले पहले यहाँ से कहाँ जाया करते थे, मैं सोचती वहां पर कंडी का पेड़ हो गया तो लोगों ने यहाँ का बना दिया। चल यहाँ शिमला मिर्च ज्यादा लगी हुई है, देख सकते हो आप, यहाँ शिमला मिर्च आनी स्टार्ट हो गई है अधिक मात्रा में। तो मतलब शिमला मिर्च यहाँ पे है, ऊपर नहीं थी लेकिन यहाँ पे है ज्यादा। तो मैं एक चीज बता दूँ, ये यहाँ से अलग किसी और खेती चलती है और ऊपर से किसी अलग किसी और खेती चलती है। तो बहुत ज्यादा मतलब शिमला मिर्च यहाँ पे अधिक मात्रा में है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, पापा ने भी काते लिया ना, ये है कद्दू के फूल, देख रहे हो आप, इसके पकोड़े बना के खाए जाते हैं और बहुत अधिक लोग मात्रा में पकोड़े खाए जाते हैं। और ये देखो कद्दू आने लग गए, देखो देखे ये कद्दू है, कद्दू स्टार्ट हो गए ना, कद्दू भी 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो गया, चलो नीचे से पार करना है क्या, कैसे हो? मैं कह रहा हूँ टमाटर कर देना 2 किलो और 2 किलो खीरा कर देना और 1 किलो गोभी। 1 किलो गोभी, गोभी नहीं है, हैं वहाँ पे देख लेंगे, बिल्कुल नहीं है। तो इस समय चल रही है गुदाई, भैया गुदाई कर रहे हैं क्योंकि जो भी ये कूड़ा कबाड़ा रहता है उसको निकालना पड़ता है। और भैया लगे पड़े हैं गुदाई करने में, थोड़ी सब्जियाँ भी अच्छी आती है और फसल भी अच्छी रहती है। तो जैसे ये है यहाँ घास वास उगी तो ये सब क्लियर कर देंगे, यहाँ से मिट्टी हो जाएगी इसकी तरह बिल्कुल। हर चीज देखी जाती है, ये बीन्स के पेड़ है, बीन्स भी आ रखे है और टमाटर भी, टमाटर का पेड़ कहाँ आगे जाएगा, वहीं चलेंगे ना, वहीं तो देंगे। तो टमाटर खीरे ले लिए हैं, जो सामान आया हुआ है 110 रुपये का, 20 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर हैं, 20 रुपये किलो के हिसाब से खीरे हैं। तो कुल मिला के आया है हमारा समथिंग 110 रुपये का। तो सामान रखते हैं, अब सामान रख लिया, चले थैंक यू भैया, चलो। तो भाई साहब सब्जी ले लिए, फिर एक पुल आया, इस पुल को पार करते हैं, प्यार लगते हैं पानी बहते हैं, हाँ ठंडा पानी। ये देखो आप, ये है आपके मेंढक कीड़े नारे सारी मिछली है, शायद मेंढक कीड़े हैं ये आसपास, मेंढक है सारी, हाँ मेंढक ही है, बहुत ज़्यादा है मेंढक यार। चलो ये अंकल जी अपना कुछ कीड़े को मारे हैं दवाई डालते हुए, क्या दवाई अंकल जी है, दवाई क्या चीज़ की है, ये तो खाद है, खाद है? हाँ। अच्छा ये खाद डाल रहे हैं अंकल, ये वाइट कलर कुछ समथिंग। तो अंकल ले आए मूली, बंद गोभी और गोभी, फुल गोभी, और ठीक है अंकल जी कर दो, पत्ते गोभी हो, हाँ पत्ता गोभी है ये, इसको पत्ता गोभी तो एक ही पीस चाहिए था सर, हाँ पत्ता गोभी तो एक ही पीस चाहिए था, एक पीस चाहिए था, अच्छा गोभी चाहिए थी 1 किलो, 1 किलो तो ये है ना, हाँ ठीक है, 1 किलो ज्यादा है ये, ठीक कोई नहीं कोई नहीं, हाँ और एक पीस 1 किलो बंद गोभी मान लेते, हाँ तो 40 रुपये लिए, ठीक लिए यार, 1 किलो मूली, 1 किलो बंद गोभी, 1 किलो फुल गोभी है, 1 किलो से ऊपर थी फुल गोभी तो है ना, 40 रुपये सीख लीजिए, क्या चाहिए जान हम लोग को। अब भाई हमने ले लिया सब कुछ ऑलमोस्ट, और अब मंगाए हैं हमने, अपने बहुत देर से बोल रहे थे कि यार उसके फूल ले आना, क्या बोलते हैं कद्दू के फूल, वो सामने पीले पीले लगे हुए, दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके, ये लगे हुए सामने पीले पीले, इससे पकौड़े बनते हैं, तो ये लेते हैं उनसे, अब चलते हैं, यार मैं थोड़े वहाँ से लेना चाहिए रहता है, 2-3 पीस वहाँ से लेते, 2-3 पीस इनसे ले लेते, ठीक है पानी पी लेते हैं, चलते हैं आ जाएगा। तो यार अब चलते हैं गदरे में, थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। भाई इसे बोलते हैं असली जन्नत, पैर डुबोए और छोड़ दो, आहा हा हा, यार मैं यहाँ पे चाहे कितनी बार भी आ जाऊँ, ठीक है मैं हमेशा जरूर यहाँ पे आता हूँ, और पैर तो मैं जरूर डुबाता हूँ, चाहे 2 मिनट के लिए हो चाहे 5 मिनट के लिए, यार से बहुत सुकून मिलता है इससे ना, तुम्हारी जितनी भी थकान होगी ना सब खत्म हो जाएगी 10 सेकंड के अंदर,
मेरा जो तजुर्बा है वो बता रहा हूँ आपको, पता है बहुत रिलैक्स मिलता है, पता है बहुत ज़्यादा रिलैक्स। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वहाँ पे छुइया है हमारा, वहाँ प्योर पहाड़ के अंदर पानी आता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे दादाजी हैं ये जा रहे हैं घर की तरफ, ऊपर घर ऊपर की तरफ है वो जा रहे हैं आप, तो फिर चलते हैं छुइया में, पानी दिखाता हूँ आपको, चलो। तो भाई हम चलते हैं आगे, और इसमें तो हमें आराम जाना पड़ेगा, हमारा पैर का फिर पता नहीं चलेगा हम पे। तो ये है हमारा छुइया, और ये है पहाड़ों के अंदर पानी निकलता है, और बहुत ठंडा होता पानी ये, देख सकते हो वहां से। है? क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सो अब चल रहे हैं बैक टू पवेलियन घर की तरफ, और चलो यार फटाफट क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नाश्ता वास्ता हमने किया ही नहीं है, सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे हम, तो फिर क्या करें। बस यही है यार, यहाँ का खेती इतनी हो रखी, मैं सब दिखा दी मैंने आपको, और टमाटर तो अधिक मात्रा में हो रखे हैं यार, इसलिए अभी वो हरे इन्होंने आज मार्केट भेजे थे तो नहीं मिल पाया, मैं फिर हम आगे से लेके आए। ओवरऑल खेती अच्छी हो रखी है, थोड़ा यार हम रुक गए थे यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और फिर चल पड़े ऊपर के लिए, और मज़ा आ रहा है बस चढ़ाई करते करते, चढ़ाई में से मज़े ही आने चाहिए, डर तो पता नहीं चलेगा, मज़े में चलते रहोगे हंसी मजाक में तो चढ़ाई के थकांगे पता नहीं चलता है यार पहाड़ों में। ऑलमोस्ट गांव आ गया अपना, और धूप भी हो गई स्टार्ट, बाकी थोड़ी देर पहले ठंडा मौसम था फिर धूप आ गई। ये केले के पेड़ है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो देख लिया होगा कि आपने इस बार खेत में क्या क्या हो रहा है, फूल गोभी बंद गोभी एक्चुअली खत्म हो गई थी, कीड़े लग गए थे उसमें, मूली हो रही है, खीरे हो रहे हैं, टमाटर हो रहे हैं, बीन्स हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही, मिर्च भी हो रही है, शिमला मिर्च भी है, और भुट्टे भी होने वाले हैं बहुत जल्द, तो अब उसका तो हो गया। तो मैं आज आप यारा ब्लॉग देख लो, कल मैं एक और ब्लॉग बनाता हूँ, उसके अलावा एक खेती और हो रही है, तो सरप्राइज है वो, तो वो दिखाते हैं ठीक है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू, और पिछले ब्लॉग को प्यार देने के लिए उसके लिए भी थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद जय उत्तराखंड जय हिंदुस्तान, बाय बाय।